वेलकम टू सोशल। कियानो रीव्स एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें शायद ही कोई ना पसंद करता हो। इतने पॉपुलर होने के बाद भी वो बहुत ही हम्बल हैं और उनकी फिल्म्स का हर एक सिनेफाइल की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। द मैट्रिक्स हो या जॉन विक, उनकी दोनों फिल्म्स ने फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड्स को बदल के रख दिया है। इस वीडियो में हम आपको कियानो रीव्स के बारे में 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, कियानो को कैसे द मैट्रिक्स के वक्त पैरालिसिस होने वाला था, कियानो ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और उनकी लाइफ क्यों इतनी ट्रैजिक रही है। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, सो वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Yeah, I'm thinking I'm back. नंबर वन, कियानो रीव्स लेबनान में बॉर्न हुए थे और उन्होंने अपना चाइल्डहुड कनाडा में स्पेंड किया है। कियानो की मदर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही हैं और उनके फादर उनकी फैमिली से अलग हो गए थे जब वो सिर्फ 3 साल के थे। इसके बाद उनकी मदर ने फिर शादी कर ली और वो सब कनाडा शिफ्ट हो गए जहाँ कियानो ने अपनी स्कूलिंग की है। नंबर टू, स्कूल के दौरान कियानो आइस हॉकी में इतने अच्छे थे कि उन्हें लगता था कि वो आगे जाकर इसी में अपना प्रोफेशनल करियर बनाएंगे। वहीं जब कियानो अपनी टीनेज में थे तो उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। कियानो थिएटर ग्रुप से ट्रेनिंग लिया करते थे और उन्हें एक्टिंग काफी पसंद आने लगी। एक्टिंग को लेकर वो इतने पैशनेट हो चुके थे कि 17 ईयर्स की एज में ही उन्होंने स्कूल छोड़कर एक्टर बनने का डिसीजन ले लिया था। नंबर थ्री, कियानो ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक टीवी शो से की थी जहां वो होस्टिंग किया करते थे। इस शो का नाम गोइंग ग्रेट था और एक यूथ सेंट्रिक शो था। इस शो में कियानो सिटी के कई प्रोमिनेंट प्लेसेस में जाकर कवरेज करते नजर आते थे। So when did all of this begin? 7 years ago, when we bought the farm, I took some riding lessons and started riding more. नंबर फोर, इसके बाद कियानो को अपनी सिटी में पॉपुलैरिटी मिल गई थी और उन्हें एडवर्टीजमेंट्स में कास्ट किया जाने लगा। नंबर फाइव, कियानो फिर यूएस शिफ्ट हो गए थे जहां उन्होंने फिल्म्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया पर उन्हें हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था। कास्टिंग डायरेक्टर्स को उनके लुक्स नॉन अमेरिकन लगते थे जिस वजह से उन्हें मेन रोल्स के लिए कंसिडर ही नहीं किया जाता था। इसके बाद कियानो ने डिसाइड किया कि उन्हें जैसे भी रोल्स मिलेंगे वो उन्हें कर लिया करेंगे। इसीलिए कियानो के करियर की शुरुआत साइड कैरेक्टर्स और लो बजट फिल्म से हुई थी। नंबर सिक्स, 1991 में आई फिल्म पॉइंट ब्रेक कियानो रीव्स के करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म रही थी। ये एक एक्शन फिल्म थी जहां कियानो एक अंडरकवर एफबीआई एजेंट का रोल प्ले करते हैं जिसे बैंक रॉबर्स को पकड़ना होता है। फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई थी और इसे आज एक कल्ट फिल्म माना जाता है। ये सोशल के राइट ऑफ वीक की फेवरेट फिल्म्स में से एक है एंड ही रिकमेंड्स यू ऑल टू वॉच दिस फिल्म वंस। यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम गोना लर्न टू सर्फ और ब्रेक माय नेक। नंबर सेवन, 1994 की फिल्म स्पीड बहुत सी लोगों ने देखी होगी जहां इंडिया में फिल्म को टीवी पर हिंदी में दिखाया जाता था। पॉइंट ब्रेक में कियानो की परफॉर्मेंस देखने के बाद मेकर्स ने उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था। फिल्म में एक बस में बॉम्ब लगा दिया जाता है और अगर बस की स्पीड को कम कर दिया तो ये बॉम्ब ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। स्पीड उस टाइम की एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही थी जहां फिल्म को सिर्फ $30 मिलियन में बनाया गया था और फिल्म ने $350 मिलियन का बिजनेस किया था। Speed. Number 8. Speed के सक्सेसफुल होने के बाद इसके पार्ट 2 को अनाउंस कर दिया गया। ऑडियंस इसके सीक्वल को लेकर एक्साइटेड थी जहां कियानो को फिल्म में रीकास्ट किया जाने वाला था पर जैसे ही फिल्म की स्टोरी उन्हें सुनाई गई उन्होंने उसी वक्त फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। स्पीड 2 का प्लॉट भी स्पीड 1 से सिमिलर था पर इसमें एक बस की जगह एक क्रूज शिप दिखाई जाती है। कियानो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर फिल्म का नाम स्पीड है तो उसमें कुछ स्पीड जैसा भी तो होना चाहिए। फिल्म में क्रूज शिप को दिखाया गया है जो ऑलरेडी काफी स्लो चलती है तो मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं आई। बाद में कियानो की जगह किसी और को कास्ट कर लिया गया और ऑडियंस को ये फिल्म बहुत ही बिलो एवरेज लगी। हमारे ओपिनियन में भी क्रूज शिप का कॉन्सेप्ट फिल्म के नैरेटिव को सूट ही नहीं करता है। मेकर्स को पार्ट 2 में शिप की जगह ट्रेन रख लेनी चाहिए थी। And I was like, okay, speed, cruise ship. And then I was thinking, well, bus and cruise ship, speed, bus, not so fast. But then cruise ship is even slower than a bus. Number 9. जब कियानो हॉलीवुड में नए थे तब उनकी फ्रेंडशिप रिवर फीनिक्स से हुई थी। जिनको नहीं पता है, रिवर फीनिक्स वाकिन फीनिक्स के बड़े भाई हैं। कियानो की रिवर फीनिक्स के साथ एक फिल्म आई थी जिसका नाम माय ओन प्राइवेट आइडाहो था। इस फिल्म में रिवर एक एडिक्ट का रोल प्ले करते हैं पर इस रोल की वजह से उन्हें रियलिटी में भी ड्रग्स करने की आदत लग गई थी।
इन्हीं रीजंस की वजह से रिवर फिनिक्स की 23 की एज में डेथ हो गई थी और ये फेज कियानो के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा था. Well, I can't talk about my own private Idaho without talking about River. Extraordinary person, extraordinary, original, great heart, great mind, great spirit. Number 10. अब बात करते हैं मैट्रिक्स की, जिसे वर्ल्ड की बेस्ट साईफाई फिल्म्स में गिना जाता है. फिल्म में हम कियानो को लीड कैरेक्टर में देखते हैं, जिसका नाम नियो होता है. मैट्रिक्स कियानो के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी. कियानो ने फिल्म के लिए मार्शल आर्ट सीखा, अपना वेट भी लूज किया और इन सब के बाद फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग फी भी गिव अवे कर दी थी. कियानो ने मैट्रिक्स में अपनी 90% फी VFX और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को दे दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिल्म कहीं से भी लो ऑन ग्राफिक्स लगे. इतना डेडिकेशन और विजन बहुत ही कम एक्टर्स में देखने को मिलता है और कियानो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं. वी आर श्योर कि आपने द मैट्रिक्स देखी होगी, सो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू सॉ द मैट्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. नंबर 11. मैट्रिक्स में नियो के रोल के लिए पहले विल स्मिथ को कंसिडर किया जा रहा था, पर उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. विल स्मिथ ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया कि मुझे फिल्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया था और अगर मैं फिल्म को कर लेता तो फिल्म शायद फ्लॉप ही हो जाती. विल स्मिथ ने मैट्रिक्स को वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट के लिए रिजेक्ट किया था, जिसे क्रिटिक्स से काफी नेगेटिव कमेंट्स मिले थे. आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक विल स्मिथ पे नियो का कैरेक्टर सूट करता? यू टेक द ब्लू पिल, द स्टोरी एंड्स, यू वेक अप इन योर बेड एंड बिलीव व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव. नंबर 12. विल स्मिथ के अलावा निकोलस केज, ब्रैड पिट और जॉनी डेप को भी फिल्म ऑफर की गई थी, पर सबने मैट्रिक्स को रिजेक्ट कर दिया था. इसके बाद स्टूडियो ने कियानो को अप्रोच किया, जिन्हें मैट्रिक्स की स्टोरी बहुत पसंद आई. कियानो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स को अप्रोच करने के बाद भी किसी ने मैट्रिक्स को साइन नहीं किया था. एंड एज यू नो, इस फिल्म के बाद से ही कियानो रीव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हो गए थे. नंबर 13. मैट्रिक्स की शूटिंग शुरू होने से पहले ही कियानो को एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो गई थी. एक्शन सीन्स को रिहर्स करते हुए उनकी स्पाइन पर एक ऐसी इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनके लेग्स पैरालाइज्ड होने वाले थे. फिर एक काफी क्रिटिकल सर्जरी के बाद कियानो को ट्रीट किया गया, जिसके बाद उन्हें एडवाइस किया गया कि अब वो इस तरह के फाइट्स ना करें. कुछ वीक्स के बाद कियानो दोबारा ट्रेनिंग पर पहुंच गए और उन्होंने नेक कॉलर पहनकर प्रैक्टिस करना शुरू किया. Yeah, coming into the training for the first one, I'd had a two-level fusion in my cervical spine. I was getting paralyzed. Number 14. कियानो के लाइफ में डिफिकल्ट टाइम तब आया जब उनके सिस्टर को कैंसर हो गया था. कियानो ने अपने सभी फाइनेंसेस उनके ट्रीटमेंट में लगा दिए थे. उनके कैंसर को ट्रीट होने में 10 साल का वक्त लग गया था, जिसकी वजह से कियानो फिल्म्स में कुछ टाइम तक इनएक्टिव रहे थे. इस ब्रेक के दौरान ही उन्होंने एक कैंसर फाउंडेशन शुरू की, जो लोगों के कैंसर ट्रीटमेंट में फाइनेंशियली हेल्प करती है. कियानो के सिस्टर आज कैंसर से पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और इसका सारा क्रेडिट वो अपने ब्रदर कियानो को ही देती है. डोंट यू थिंक कियानो इज द नाइसेस्ट सेलिब्रिटी दैट वी हैव टुडे? नंबर 15. कियानो की लव लाइफ की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं. 1998 में उन्होंने जेनिफर साइम को डेट करना शुरू किया था एंड दे वर हैप्पीली लिविंग टुगेदर. वहीं कुछ टाइम बाद जब दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे तो जेनिफर ने एक स्टिल बॉर्न बेबी को बर्थ दिया था. कियानो के लिए एक टाइम बहुत ही डिफिकल्ट रहा, पर उनकी प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ही खत्म होने वाली नहीं थी. 2 साल बाद जेनिफर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई एंड जस्ट इमेजिन कियानो के लिए ये सब फेस करना कितना मुश्किल रहा होगा. इन सभी इंसिडेंट्स के बाद कियानो ने 10 सालों तक किसी को भी डेट नहीं किया था. 2009 में कियानो की मुलाकात अलेक्जेंड्रा ग्रांट से हुई थी, जो एक आर्टिस्ट है, और उनके साथ मिलकर कियानो ने 2 पोएट्री बुक्स लिखी थी. ऐसे ही दोनों की दोस्ती शुरू हुई और 2019 में दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो डेट कर रहे हैं. कियानो के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज थी और सभी उनकी लाइफ के इस न्यू फेज के लिए काफी एक्साइटेड हैं. नंबर 16. कियानो ने कई बार अपनी एक्टिंग फीस रिड्यूस की है ताकि फिल्म में दूसरे एक्टर्स को अफोर्ड किया जा सके. फॉर एग्जांपल, द डेविल्स एडवोकेट में अल पचीनो को लाने के लिए कियानो ने अपनी फीस में 2 मिलियन कम चार्ज किया था. ऐसे ही 2000 की फिल्म द रिप्लेसमेंट्स में भी जीन हैकमैन को ऑन बोर्ड लाने के लिए दोबारा उन्होंने अपनी फी रिड्यूस की थी. कियानो ने कई बार कहा है कि मनी इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम. उनके पास जितना भी है वो उसमें ऑलरेडी अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं.
नंबर 17, जॉन विक के लिए कियानो को आप कई अलग तरह के एक्शन सीन्स करते देखते हैं और ये सभी सीन्स कियानो ने खुद किए हैं। कियानो ने रिवील किया कि फिल्म में 90% एक्शन सीन्स उन्होंने खुद किए हैं और बस कुछ ही सीन्स के लिए स्टंट डबल्स यूज किए गए हैं। जॉन विक का चाहे वो हॉर्स राइडिंग सीन हो या फिर गन फाइट्स, कियानो ने ये सभी सीन्स खुद परफॉर्म किए हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गन फाइट सीन्स की प्रेपरेशन के लिए कियानो ने रियल गन्स यूज की थी। Perfect. That was raging, Keanu. Number 18. जॉन विक के मेकर्स चैड स्टेहल्स्की और डेविड लीच वही हैं जो द मैट्रिक्स में कियानो रीव्स के स्टंट डबल रहे थे। जब कियानो को जॉन विक की स्क्रिप्ट मिली तो वो बहुत एक्साइटेड थे और वो जानते थे कि चैड और डेविड इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। कियानो की एक्साइटमेंट को देख के चैड और डेविड समझ गए थे कि फिल्म की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसके बाद दोनों ने फिल्म को डायरेक्ट करने का प्रपोजल रखा। स्टूडियो ने कियानो के कहने पर दोनों को हायर कर लिया, जहां चैड को फिल्म के डायरेक्टर के क्रेडिट दिए गए और डेविड को प्रोड्यूसर के। I've known the directors for like, you know, 15 years, and I loved, I sent them the project, John Wick, and so there was this, you know, it just added something personal to it. Number 19. बहुत कम लोग जानते हैं कि कियानो ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की है। फिल्म का नाम मैन ऑफ ताई ची था, जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। ये एक मार्शल आर्ट्स फिल्म थी जिसमें कियानो विलन का रोल प्ले करते हैं। मैन ऑफ ताई ची एक बहुत ही अलग तरह की एक्शन फिल्म है जिसे कियानो को भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही। I didn't come here to kill. You owe me a life. Number 20. द मैट्रिक्स और बॉलीवुड फिल्म आवारा पागल दीवाना का भी एक कनेक्शन है। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो ये फैक्ट ऑलरेडी जानते होंगे कि फिल्म आवारा पागल दीवाना में द मैट्रिक्स का सीन रिक्रिएट किया गया था। पहले तो हमें लगा कि ये सीन पूरा का पूरा कॉपी किया गया है, पर रिसर्च के बाद पता चला कि द मैट्रिक्स के स्टंट कोरियोग्राफर डीनो लाम को इस सीन के लिए हायर किया गया था। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको कियानो रीव्स क्यों पसंद है। टीम सोशल में सभी उनके फैंस हैं, सो वी रियली वांट टू नो योर आंसर्स ऑन व्हाई यू लाइक हिम। इसके अलावा अगर आप किसी और हॉलीवुड एक्टर की फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। जिस एक्टर को लेकर सबसे ज्यादा कॉमेंट्स आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो उन्हीं पर बनाएंगे। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां बहुत ही यूनिक कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। वी रिकमेंड यू टू चेक आवर इंस्टाग्राम वंस वेयर वी हैव मेड सो मेनी पोस्ट फॉर यू। इसके अलावा ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।